और कस्टमर खाना जो भी जिन्होंने पार्ट है वो भी अवेलेबल मिल रहा है, और हर चीज़ बढ़िया सर्विसिंग हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है पार्ट के लिए। बोट के जो ओनर है उनके लिए कुछ आप AMC प्लान या फिर कुछ ऑफर वगैरह भी निकालते हैं कुछ टाइमली? हाँ सर, कस्टमर को है ना जैसे 3 मंथ 3 में जो भी रहता है कंपनी प्रॉपर उसकी वारंटी दे रही है, 6 मंथ्स की वारंटी जो पार्ट की रहती है वो भी मिल रही है, वो 2027 तक की वारंटी अभी दे रही है कंपनी। तो कैसा लगता है यहाँ पे सर्विसिंग करवा करके? अच्छा लगता है, मतलब अच्छी सर्विसिंग करते हैं ये लोग, क्वालिटी करते हैं ना। तो विनायक फोर्ट से आप हमेशा सर्विसिंग करवाते आए हुए आए हो। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए लेकर के आया हूँ फोर्ट के ऑथराइज सर्विस स्टेशन इंदौर में, जो कि विनायक फोर्ट के नाम से है। और कई लोगों में ये जानकारी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि फोर्ट ने जैसे कि इंडिया से स्विच कर लिया, तो लोग सोचते होंगे कि उनकी गाड़ियों का अब क्या होगा, किस तरह से उनकी गाड़ियाँ मेंटेन होंगी। तो इंदौर शहर में फोर्ट का जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो है विनायक फोर्ट, जो कि विजयनगर के पास में भी इनका जो सर्विस सेंटर है वो स्थित है, और अपना राजेंद्र नगर में गड़बड़ी पुलिया के पास में सर्विस स्टेशन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं राजेंद्र नगर के पास में हमारी लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी को इन्होंने यहाँ पे लिफ्टर के ऊपर चढ़ा दिया है, और इसके अंदर ऑयल वगैरह की जो चेंज करने की प्रोसेस है या बाकी के अदर जो फंक्शन है वो सारे के सारे ये शुरू करेंगे अपने OS के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सब फोर्ड की हैं, और जिन लोगों को जानकारी है वो तो यहाँ पे आ जाते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो बेचारे कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ का अंदर का मैं प्रीमाइसिस आपको दिखा रहा हूँ, फोर्ड सर्विस सेंटर विनायक फोर्ड का, और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर काम होता है। और समय समय पर ये लोग जो हैं कुछ ऑफ़र्स वगैरह भी निकालते रहते हैं जो इनके कस्टमर हैं उनके लिए, जैसे कि गाड़ी का मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हो या AMC वगैरह के रिगार्डिंग जो है, इस तरह की कुछ ऑफ़र्स वगैरह ये जो है टाइमली निकालते रहते हैं। तो अभी हम पास चल के आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये ऑयल जो है ड्रेन करने की प्रोसेस हो रही है, जो हमारा अभी मेरी गाड़ी लगभग 62,000 के करीब गाड़ी मेरी चल चुकी है, 62,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है, और अभी तक मुझे कोई भी समस्या नहीं आई है। और मेरे मन में वैसे मैं क्या गाड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने का शौकीन इंसान रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, 2 व्हीलर तो मेरे ख्याल से मैंने 8-9 चेंज कर लिए होंगे, 8-9 चेंज कर लिए हैं 15-16 सालों के अंदर। और 4 व्हीलर की अगर हम बात करें तो लगभग तीसरी गाड़ी है मेरी, पहली गाड़ी मेरी अल्टो थी, उसके बाद में डिजायर थी, और उसके बाद में मैंने ली इको स्पोर्ट। तो इको स्पोर्ट लेने के बाद में मैं इतना सेटिस्फाई हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि इस गाड़ी की जो बिल्ट क्वालिटी है ना वो काफ़ी सॉलिड है। दूसरा इसका कंफर्ट, राइडिंग, हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर मतलब जो मिलती है ना, जैसे कि फोर्ड इको स्पोर्ट चलाने के जो शौकीन है या जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा कि किस तरह की गाड़ी चलती है। तो मेरे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये गाड़ी को स्विच कर लूँ या चेंज कर लूँ। तो इस तरह से बस टाइमली आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते रहें, मतलब कि गाड़ी आपकी चकाचक रहती है। भाई इंजन है, इंजन के अंदर ऑयल है या बाकी अदर फिटमेंट है, टाइटनिंग है, वो सारी की सारी अगर हम टाइमली करवाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो यथावत चलती रहती है। तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा था कि यहाँ पर विनायक फोर्ट के अंदर किस तरह से काम होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ यहाँ की किस तरह से मतलब ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। दूसरा यहाँ पर जो पार्ट्स वगैरह हैं वो भी पूरे के पूरे अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जेन्युइन पार्ट अगर हमारी गाड़ी का कभी कोई ज़रूरत पड़े तो अभी क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा अंदर की कि यहाँ पर जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। और आप कभी भी सर्विसिंग करवाएं तो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज सर्विस स्टेशन से ही करवाएं, क्योंकि पार्ट्स वगैरह जो गाड़ी के अंदर लगते हैं वो जेन्युइन ही लगने चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सारी गाड़ियों के सारे पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इनकेस कभी किसी गाड़ी का कोई पार्ट्स अगर कोई क्रिटिकल होता है तो ये लोग जो है उसको बुक कर लेते हैं और फिर 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये अरेंज करवा देते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से तमिलनाडु से इसके चेन्नई और सानंद से जो है इसके पार्ट्स वगैरह आते हैं, जहाँ पर गाड़ी की पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। तो फोर्ड ने जैसा वादा किया है कि वो अपने कस्टमर्स को खाली नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, उनकी गाड़ियों को पूरा मेंटेन रखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा का सारा फोर्ड का अंदर का प्रमाइसिस है, और यहीं पर अगर हम देखें तो जो हमारे जो विजिटिंग लाउंज की अगर हम बात करें, जिसके अंदर हमारे जो विजिटर्स वगैरह हैं वो आके बैठे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने करके रखी है। ये सारा का सारा काउंटर है जहाँ पर आपका पूरा गाड़ी का पूरा मतलब बिलिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। कैश काउंटर है, यहाँ पे रिसेप्शन का एरिया है जिसके ऊपर अभी भी फोर्ड लिखा हुआ है। तो फोर्ड छोड़ के आपको नहीं गई है, और आप भी फोर्ड की गाड़ियों को स्विच ना करें, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन ये पूरा का पूरा एरिया है। और यहाँ पर विजिटर्स के लिए, विजिटर इन द सेंस कि जो गाड़ी के मालिक हैं वो यहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग को जब दे देंगे, गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए, तो जो टाइम लगता है उस टाइम को स्पेंड करने के लिए यहाँ पर जो है इनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था
की गई है, सोफे वगैरह लगाए हुए हैं, टेलीविजन है, पूरा एयर कंडीशन है। भैया मैं आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाने आए हो फोर्ड की? हाँ। यहीं करवाते हो हमेशा? हाँ, हमेशा। तो कैसा लगता है यहाँ पे सर्विसिंग करवा करके? अच्छा लगता है, मतलब अच्छी सर्विसिंग करते हैं ये लोग, क्वालिटी करते हैं ना। तो विनायक फोर्ड से आप हमेशा सर्विसिंग करवाते आए हुए आए हो, तो हमारे साथ में एक साथी बैठे हुए थे जो कि विनायक फोर्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और हमेशा ये यहीं पे सर्विस करवाते हैं। हमारे साथ में है वीरेन सर जो कि फोर्ड के, विनायक फोर्ड के इस ऑथराइज सर्विस स्टेशन के ऊपर जो है फ्लोर मैनेजर हैं और ये पूरी गाड़ियों को हैंडल करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से गाड़ियाँ आती हैं या क्या लोगों के साथ में इनका मतलब रेस्पॉन्स लोगों का किस तरह का इनसे हम जानते हैं। वीरेन सर आपका स्वागत है चैनल पर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे फोर्ड की जो गाड़ियाँ ओन करते हैं वो लोग, वो यहाँ आते हैं उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है, क्या उनकी क्वेरी रहती है? सर कस्टमर का सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, सभी कस्टमर आ रहे हैं इंदौर से। तो दो हमारे पास दो डीलर है, विनायक फोर्ड जो इंदौर में है, एक अथोराइड भी है और एक मेरा इधर पर है साउथ लोकेशन, एक मेरा पंचवटी पर है। और कस्टमर का ना जो भी जिन्होंने पार्ट है वो भी अवेलेबल मिल रहा है और हर चीज़ बढ़िया सर्विसिंग हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है पार्ट के लिए। और कभी कोई पार्ट अगर किसी गाड़ी के अंदर, जैसे अगर हम बात करें क्रिटिकल कोई पार्ट रहता होगा जो कि जनरली चेंज नहीं होता है, इनकेस किसी गाड़ी में चेंज करना होता है तो वो भी आप अरेंज करवा ही देते हैं ना सर? वो ना कोई भी पार्ट रहता है जैसे ओपन ऑर्डर करते हैं, दो या तीन दिन में अपन को अवेलेबल मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। हाँ। और बाकी लोग मतलब सेटिस्फाई होकर हाँ, जाते हैं ना। और तो अभी अगर हम इंदौर क्षेत्र की बात करें तो कितनी गाड़ियां अपने पास में आ रही हैं यहाँ पे, अगर हम परमत की बात सर हमारा पर डे का जो लोड रहता है वो 16 से 20 तक 20 गाड़ी तक पर डे आती है, गाड़ी सर्विसिंग होके कम्प्लीट होके निकल जाती है। अच्छा फोर्ड के जो ओनर है उनके लिए कुछ आप एएमसी प्लान या फिर कुछ ऑफर वगैरह भी निकालते हैं कुछ टाइमली? हाँ सर कस्टमर को है ना जैसे 3 मंथली में जो भी रहता है तो उनका ऑफर भी रहता है, 20% लेबर पे भी देते हैं और 20% पार्ट का भी रहते हैं जो फोर्ड इंडिया से जो आता है, मैंने गाड़ियों का जो भी नंबर के हिसाब से उनका जो 20% है उनको लेबर डिस्काउंट मिलता है बराबर। तो दोस्तों आप यहाँ पे अवश्य आए और वीरेन सर से आप और भी डिस्काउंट लेना चाहेंगे तो आपको पर्सनली गाड़ी लेकर के आना पड़ेगा। और हमारे साथ में एक और हमारे साथी हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर आप क्या देखते हो भाई साहब? रोड टेस्ट। रोड टेस्ट देखते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ आती है आप उनको चेक करते हो, मतलब कि भाई गाड़ी की एट प्रोजेक्ट में क्या कंडीशन है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फोर्ड की गाड़ियाँ हैं कैसी गाड़ियाँ लोग मेंटेन कर रहे हैं अपनी? बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छी, बहुत अच्छी गाड़ी। और देखो मेरी गाड़ी दोस्तों 5 साल हो गए हैं और मेरी गाड़ी मैंने इतनी अच्छे तरह से मेंटेन करके रखी है कि मुझे आज तक कोई समस्या नहीं आई है और 62,000 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी भी चल रही है। सस्पेंशन वगैरह और बहुत अच्छा है उसका। फोर्ड की गाड़ी तो वैसे भी मतलब बेस्ट गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी की बात करें चाहे चलने के हिसाब से बात करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अमन जी आप वारंटी देखते हैं, अमन जी आप बताइएगा कि क्या कुछ वारंटी वगैरह के कुछ केसेस आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कैसे हैंडल करते हैं आप बताइए। वारंटी के जितने भी केसेस आते हैं अपने पास प्रॉपर हैंडल हो रहे हैं, कंपनी प्रॉपर उसकी वारंटी दे रही है, 6 महीने की वारंटी जो पार्ट की देती है वो भी मिल रही है और 2027 तक तो वारंटी अभी दे रही है कंपनी। जो गाड़ी अभी BS6 नहीं बनी थी उसमें भी 2027 तक का कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि 2027 तक वारंटी आप अगर एक्सटेंड करवाते हैं और कुछ भी पार्ट फेलियर होता है तो आपको हैंड टू हैंड आपको रिप्लेस करके देगी सेम डे पे। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस है या कुछ भी नहीं, आप गाड़ी लेके आए सेम डे पे आपको रिप्लेस हो, मतलब वारंटी हो सर्विस हो किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, कंपनी सब कुछ दे रही है जो कमिट किया है कंपनी ने फोर्ड इंडिया ने, वो अपना कमिटमेंट पूरा कर रही है। हो सकता है कि अपना हो सकता है, हम तो यही कहेंगे कि फोर्ड को दोबारा वापस आ जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की गाड़ियां और कोई कंपनी तो अभी बना नहीं रही है। चल रहा है प्लांट तो अपना चालू है, दोनों अपने एक प्लांट अभी जो है हां अभी पार्ट्स वगैरह का तो कर ही रहे हैं, दूसरा प्लांट भी अपना चालू है अभी चल रहा है ईवी में आने का। तो दोस्तों मैंने वारंटी के जो डिपार्टमेंट है उसको देखने वाले जो पर्सन हैं या फिर आपका रोड टेस्ट करने वाले हैं या फिर पूरा फ्लोर को मैनेज करने वाले जो लोग हैं इनसे भी मैंने आपको रूबरू करवाया है, प्रैक्टिकल में इन्होंने बताया कि किस तरह का रेस्पॉन्स है लोगों का और क्या ये लोगों के लिए जो है यहाँ पर सेवाएं और फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों इस तरह की ये जानकारी है और फोर्ड के जो ओनर हैं, फोर्ड की कार के जो ओनर हैं उनके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी होगी। मैं समझता हूँ अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस जानकारी को आप जो है अपने दोस्तों में जिन लोगों के पास में फोर्ड की गाड़ियाँ हैं उनको शेयर करें। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हो गाड़ी की सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आएँ, यहाँ पे वर्किंग आवर वगैरह आप सामने देख सकते हैं, मंडे टू सैटरडे 9:30 to 6 PM है, संडे क्लोज रहता है और लंच टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं समाप्त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर गाड़ियों की पूरी वॉशिंग वगैरह होती है, ये पूरी वॉशिंग पिट वगैरह बनाई हुई है, जो गाड़ियाँ सर्विसिंग होकर के आती हैं उनको यहाँ पर पूरा क्लीन किया जाता है। तो ये सारी झलक है जो मैंने आपको दिखाई है।
और इस जानकारी को आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा।